हैं 43, क्या कह रहा है, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट 2 का पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n इफ पी आर इज ट्रू सो डेट पी आर प्लस 1 इज ट्रू, डू यू कैलकुलेट डेट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि किस पे ट्रू हो रहा, किन किन नेचुरल नंबर से ये ट्रू हो रहा। चलिए आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है पी एन 2 का पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n। अच्छा अगर n इक्वल टू 1 होगा, व्हेन n इक्वल टू 1 तो 2 का पावर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इनटू 1। तो यहां देखिए 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, नहीं होगा ना, नॉट ट्रू। चलिए व्हेन n इक्वल टू 2 तो हो जाएगा यहां पे 2 का पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इनटू 2, यहां पे हो जाएगा आपका 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं हो रहा है। अच्छा व्हेन n इक्वल टू में 3 तो 2 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3, यहाँ भी देखिए 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 की बात करें, ये भी नहीं ट्रू है। चलिए अब इसके बाद 4 रखते हैं, व्हेन n इक्वल टू 4 तो यहाँ पे 2 का पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू में 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है जी 12, ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट पी एन था 2 का पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n, ये ट्रू होगा कब, यहाँ पे जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तब, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर r पर ये स्टेटमेंट ट्रू कह रहा है, तो हम ले लेते हैं कि लेट पी आर कॉल देते हैं 2 का पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसके बाद हमें पी आर प्लस 1 की बात करने पे है, ये ट्रू, ये से ट्रू ले लेते हैं। अच्छा अब पी आर प्लस 1, पी आर प्लस 1 टू प्रूव करना है, पी आर प्लस 1 इज ट्रू, यानी हमें दिखाना है डेट इज यहाँ पे कि 2 का पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू में r प्लस 1 और r का वैल्यू यहाँ 4 और 4 से ग्रेटर है। चलिए हमें ट्रू दिखाना है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं 2 का पावर r हमारे पास दिया हुआ है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ लिखे मल्टीप्लाई बाई कितना 2 इन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 2 का पावर n r इनटू 2 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r इनटू में 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 2 का पावर r प्लस 1 हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6r हो जाएगा। अच्छा 6r हो गया, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 6r जो होगा ग्रेटर और इक्वल होगा आपके किस से, 3r प्लस 1 से, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां देखा जाए तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि 3r प्लस ये 3 है, ये ग्रेटर और इक्वल होगा ना 3r के, है ना जी। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, देख लो अगर r का वैल्यू, या फिर हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 3r जो होगा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 3 के, 3r जो होगा ग्रेटर और इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पर आपका होगा सॉल्व करने पे 3 इंटू आर प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो ये 3r प्लस 3 होगा, तो यहाँ ये 6r है, यहाँ क्या है 6r है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखो, देख लो 3r प्लस 3r, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2r का पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r और प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3r जो है 3 से ग्रेटर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे ना लिख कर यहाँ पे ये चीज स्टेप छोड़कर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू आर प्लस 1। अच्छा ये ट्रू हो गया ना जी, लिख सकते हैं कि हेंस पी आर प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर, यही ना दिखाना था, पी आर इज ट्रू, ये हमने दिखा दिया, समझ गए। तो आज की क्लास में